हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे वैदिक मैथ्स की मल्टीप्लिकेशन की कुछ ट्रिक्स शेयर करूंगा जो कि आपको काफी पसंद आएंगी और इससे आपकी कैलकुलेशन काफी आसान होगी। हमारी पहली जो ट्रिक है वो उन नंबर्स के ऊपर बेस्ड है जो कि 10 की पावर से कम है। जैसे कि मैं एग्जांपल लूं 94 × 95, ये दोनों ही नंबर 10 की पावर 2 यानी कि 100 से कम है। 94 100 से 6 कम है, 95 100 से 5 कम है। तो सबसे पहले हम 6 और 5 का आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें मिला 30। इस नंबर को आप ध्यान रखें। अब 9400 से 6 कम है, 9500 से 5 कम है। इन दोनों नंबर को हमें ऊपर लिखे दोनों नंबर से माइनस करना है, लेकिन क्रॉस में करना है। इसका मतलब हमें 94 में से 5 माइनस करना है और 95 में से 6 माइनस करना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे दोनों ही केसेस में हमारा आंसर सेम आएगा, हमेशा सेम आएगा। और यहाँ हमारा आंसर आ रहा है 89। तो बस आपको करना क्या है, 89 और 30 को आपस में जोड़ देना है और वही हमारा आंसर है, यानी 94 × 95 = 8930। मैं एक और एग्जांपल आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, 90 × 86। ये दोनों नंबर भी 100 से कम है। 90 100 से 10 कम है, 86 100 से 14 कम है, तो 10 × 14 हो गया 140। अब फिर से हमें वही काम करना है, 90 100 से 10 कम है, 86 100 से 14 कम है। इन दोनों नंबर को हमें ऊपर लिखे दोनों नंबर से माइनस करना है क्रॉस में। तो जब हम ऐसा करेंगे तो दोनों ही केसेस में हमारा आंसर सेम आएगा। इस केस में हमारा आंसर है 76। तो बस अब हमें 76 और 140 को आपस में जोड़ देना है, लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं होगा क्योंकि 140 एक 3-डिजिट नंबर है, जबकि ये लास्ट में हमेशा 2-डिजिट नंबर आना चाहिए। तो इसके लिए हम 6 और 1, ये दोनों बीच के दो नंबर हैं, इनको आपस में प्लस कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर होगा 7740, यानी 90 × 86 = 7740। अब हमारी दूसरी ट्रिक, ये ट्रिक उन नंबर के ऊपर बेस्ड है जो कि 10 की पावर से बड़े हैं, जैसे कि 105 × 104। ये दोनों नंबर 10 की पावर 2 यानी 100 से बड़े हैं। 105 100 से 5 बड़ा है, 104 100 से 4 बड़ा है, तो 5 × 4 = 20। इसको हम याद रखेंगे। अब फिर से वही काम, 104 100 से 5 ज्यादा है, 104 100 से 4 ज्यादा है। इस बार हम इन दोनों नंबर को ऊपर लिखे दोनों नंबर के साथ क्रॉस में प्लस करेंगे। याद कीजिए पहले हमने क्रॉस में सब्ट्रैक्ट किया था क्योंकि वो दोनों नंबर 10 की पावर से कम थे। ये दोनों नंबर 10 की पावर से बड़े हैं, इसलिए हम इनको ऐड करेंगे। तो आप देखेंगे दोनों ही केसेस में हमारा आंसर 109 आएगा। अब बस हम 109 को 20 के साथ मिला देंगे तो हमारा आंसर हो गया 10920। आने वाले कुछ वीडियो में मैं आपके लिए वैदिक मैथ्स के वीडियो ही लाने वाला हूँ। थैंक यू।